कोहली के कवर ड्राइव से लेकर गर्लफ्रेंड के टेक्स्ट का रिप्लाई करने तक हर जगह परफेक्ट टाइमिंग को मास्टर करना बहुत जरूरी है। आज हम इसी पर बात करेंगे, नॉट टाइमिंग बट टाइम। आइए देखते हैं बैठचंद मजा आएगा। ये वीडियो आपकी जिंदगी का सबसे वैल्यूएबल एंड इंपोर्टेंट वीडियो साबित हो सकता है, सो प्लीज प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर वीडियो के एंड तक आपको ऐसा फील ना हो तो इसको डिसलाइक कर देना, लेकिन प्लीज इसे एंड तक जरूर देखना। अच्छा ठीक है, समझ गया। आज मैं आपको टाइम के तीन ऐसे कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा जिनको अगर आपने आपकी जिंदगी में इम्प्लीमेंट कर लिया तो आपको टाइम मैनेजमेंट का एक्सपर्ट बनने से और आपकी प्रोडक्टिविटी को 5-10x करने से कोई नहीं रोक सकता। सो लेट्स बिगिन। टाइम इज मनी। आई नो ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि टाइम इज मनी, लेकिन किसी ने हमको ढंग से समझाया ही नहीं इसका मतलब। लेकिन आज हम समझेंगे। मान लो कि आपके 50,000 रुपए की महीने की सैलरी है और आप महीने के 22 दिन और दिन के 8 घंटा काम करते हो, तो आपके 1 घंटे की वैल्यू क्या हुई, मतलब 1 घंटे की वर्थ, और वो हुई 50,000 डिवाइडेड बाय 22 इंटू 8, मतलब की 285 रुपीज। अब सपोज आप दिन में रोज 2 घंटा नेटफ्लिक्स देखते हो, तो महीने के एंड में आपने नेटफ्लिक्स को कितना पे किया? आप बोलोगे कि 500 रुपए, जो कि उसका सब्सक्रिप्शन कॉस्ट है, और क्या। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि आपने नेटफ्लिक्स को 500 रुपए ना पे करके आपने नेटफ्लिक्स को 17,600 रुपए पे किए? कैसे? तो आपके 1 घंटे की वैल्यू है 285 रुपीज और आप महीने के एंड तक नेटफ्लिक्स को दे रहे हो अपने 60 घंटे, जो होता है 17,100 प्लस 500 रुपए जो आपने सब्सक्रिप्शन के लिए, टोटल होता है 17,600 रुपए। अब आप ये कहोगे कि भाई ये कौन सी पागलों वाली बात है, उन 2 घंटों में मैं कोई ऐसा काम थोड़ी कर रहा था जहाँ से मुझे पैसे आ सके। और यही पर टाइम इज मनी का कॉन्सेप्ट आता है। अगर आपने वो 2 घंटे नेटफ्लिक्स ना देखकर कुछ सीखने में लगाए होते, चाहे वो किताब पढ़ के, ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करके, या फिर अपने आप को अपस्किल करके, तो आप उस नॉलेज और एक्सपीरियंस को यूज कर सकते थे अपने घंटे की प्राइस 285 को 300, 350 या 400 तक ले जाने में। और यही है टाइम इज मनी का कॉन्सेप्ट, कि जब भी आप अपने टाइम की वैल्यू बढ़ा नहीं रहे तो अल्टीमेटली आप उसे घटा रहे हो। अब हम आते हैं हमारे सेकंड कॉन्सेप्ट पर, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इस वीडियो के थर्ड कॉन्सेप्ट को मिस कर दिया तो इस वीडियो को देखने का कोई पॉइंट नहीं है। थर्ड कॉन्सेप्ट ही इस वीडियो की जान है, सो प्लीज थर्ड कॉन्सेप्ट को मिस मत करना। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड कॉन्सेप्ट की तरफ, एंड दैट इज, जब भी आप किसी को ये कहते हो कि मेरे पास इस काम को करने का समय नहीं है, तब आप ये कहते हो कि मेरे पास इस काम को करने की एनर्जी नहीं है। मान लो आपने डिसाइड किया कि मंडे से मैं अपनी पूरी जिंदगी बदलने वाला हूँ, सुबह जल्दी उठूंगा, अपने जो भी इम्पोर्टेंट काम है उनको जल्दी जल्दी करूंगा और एक प्रोडक्टिव इंसान बनूंगा। लेकिन संडे रात को आप अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने जाते हो, वहां पर आप बहुत ज्यादा खाना खा लेते हो और उसकी वजह से आपको नींद नहीं आती है, आप बहुत ही लेट सोते हो रात में, और लेट सोने की वजह से आप सुबह 6 बजे उठने की कोशिश कर रहे हो लेकिन आपसे उठा नहीं जा रहा है, आपके अंदर एनर्जी नहीं बची है, और उसी तरह आप सो रहे हो और अल्टीमेटली आप फिर सुबह 10 बजे उठते हो, और जैसे आपका ध्यान आपकी घड़ी पर जाता है आप तुरंत गिल्ट फील करते हो कि यार मैं अपने खुद के साथ किया हुआ प्रॉमिस भी फुलफिल नहीं कर पाया, और इसी तरह आप अपना पूरा दिन गिल्ट में बिताते हो। आपको अपनी एनर्जी को मैक्सिमाइज करने पर फोकस करना है, आपको अपनी एनर्जी को बचाने पर फोकस करना है, ताकि आप उस एनर्जी को आपके जो भी इंपॉर्टेंट काम है उनको करने में यूज कर पाओ। आपके दिन में एक ऐसा समय जरूर होता होगा जब आप सबसे ज्यादा एनर्जेटिक फील करते होंगे, जब आप सबसे ज्यादा एक्साइटेड फील करते होंगे, तो आपके जो भी इंपॉर्टेंट काम है, जो भी आपके लिए बहुत जरूरी काम है, उनको उस समय पर करो जब आप बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील करते हो, जब आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड फील करते हो, और वो सारे काम जो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है उनको उस समय पर करो जब आपके पास एवरेज एनर्जी है, जब आप उतना एक्साइटेड फील नहीं करते। और जब आप अपनी एनर्जी एंड इंपॉर्टेंट कामों को परफेक्टली अलाइन करोगे, तब आप देखोगे कि आपकी प्रोडक्टिविटी किस हद तक बढ़ रही है। और अब हम आते हैं हमारे वीडियो के थर्ड एंड मोस्ट पावरफुल कॉन्सेप्ट पर, एंड दैट इज, हम सबके पास 24 घंटे ही है, और उसी में से कुछ लोग अपनी जिंदगी में बहुत सारे काम कर रहे हैं, बहुत कुछ उखाड़ रहे हैं, अरे ये नहीं भाई ये, तो कुछ लोग उन्हीं 24 घंटों में बहुत कुछ उखाड़ रहे हैं, और हम में से बहुत सारे लोग अपने दिन के बेसिक 1-2 काम भी ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आपके पास कितना समय है, इम्पोर्टेंट ये है कि आपके पास जितना भी समय है आप उसको किस तरह से यूज कर रहे हो, आपने उसको किस तरह से अलॉट किया है। आपको अपने समय को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है ताकि आप अपने जो भी इंपॉर्टेंट काम है, जो भी जरूरी काम है, उनको ज्यादा से ज्यादा कर पाओ। इसको मैं आपको एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट अर्जेंट वर्सेस इंपॉर्टेंट से समझाता हूँ। आपको एक 2x2 की मैट्रिक्स बनानी है, अर्जेंट यस नो एंड इंपॉर्टेंट यस नो। इस मैट्रिक्स में अब आपके पास 4 कॉलम है और आप अपने दिन में जितना भी समय बिताओगे वो इन्हीं 4 कॉलम में आएगा। पहले कॉलम में वो सारे काम आएंगे जो कि ना तो अर्जेंट है और ना ही इंपॉर्टेंट है, इंस्टाग्राम देखना, जरूरत से ज्यादा सोना, नेटफ्लिक्स पर बिंज वॉचिंग करना, वो सारे काम। सेकंड कॉलम में वो सारे काम आएंगे जो कि अर्जेंट तो है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। दोस्त का कॉल आ गया, उठाना पड़ेगा, अर्जेंट है लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, शायद उतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं हो रही थी, घर का नल खराब हो गया है, प्लम्बर को कॉल करना पड़ेगा, अर्जेंट है करना पड़ेगा लेकिन शायद
उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। थर्ड कॉलम में वो सारे काम आएंगे जो आप रोज करते हो, अगर आप एक एम्प्लॉय हो तो आपकी जॉब, और अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपकी पढ़ाई। और फोर्थ कॉलम में वो काम आएंगे जो कि इंपॉर्टेंट तो है लेकिन अर्जेंट नहीं है। एक्सरसाइज करना अर्जेंट नहीं है, अभी नहीं करोगे तो चल जाएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है इन लॉन्ग टर्म। अच्छी किताब पढ़ना अर्जेंट नहीं है लेकिन आगे जाकर आपको बहुत सारे फायदे देगी। अब जैसे आपने इन चार कॉलम को अच्छे से समझ लिया, मैं आपको एक गूगल शीट प्रोवाइड कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन, जिसमें आपको अपने दिन के हर घंटे के टास्क को ट्रैक करना है अर्जेंट वर्सेस इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में। और जब आप अपने दिन के हर घंटे के टास्क को ट्रैक कर लोगे तब फाइनली आपको दिन के एंड में इन चारों कॉलम में परसेंटेजेस शो होंगे जो आपको ये बताएंगे कि आपने किस कॉलम में कितना समय बिताया है। और ये सब करने के बाद आपको ये लिखना है कि आज का दिन आपका कैसा गया, आपने कैसा फील किया, अगर अच्छा फील किया तो क्यों फील किया, और अगर खराब फील किया तो क्यों फील किया। और जब आप ये एक्टिविटी अगले कुछ दिनों तक करोगे तो आप अपने आप समझ जाओगे कि कौन से कॉलम में ज्यादा समय बिताने पर आप अच्छा फील करते हो और कौन से कॉलम में ज्यादा समय बिताने पर आप खराब फील करते हो। और आप फिर ऑटोमेटिकली उन सारे कामों को कम करते जाओगे जो आपको खराब फील कराते हैं और उन कामों को बढ़ाते चले जाओगे जो आपको बहुत अच्छा फील कराते हैं। आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू यार कि प्लीज इस हैबिट को अपनी जिंदगी में लेकर आओ, बिकॉज अभी क्या हो रहा है कि आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो, बहुत ज्यादा हार्डवर्क कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि यार कुछ न कुछ मिसिंग है, यार मैं सेटिस्फेक्शन नहीं फील कर रहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। वो आपको इसलिए ऐसा लग रहा है क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपका समय जा कर रहा है। लेकिन जब आप इस तरह से अपना समय ट्रैक करोगे तब आपको रोज दिन के एंड में अपना आईना दिखाई देगा जहाँ से आपकी सारी शंकाएं दूर हो जाएगी और आपको जिंदगी में एक परफेक्ट क्लैरिटी मिलेगी। आई नो किसी भी नई हैबिट को अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, लेकिन अगर आपने ये कर दिया तो आप अपने समय को कंट्रोल कर पाओगे और टाइम मैनेजमेंट के एक्सपर्ट बन जाओगे। और जो इंसान अपने समय को कंट्रोल कर सकता है वो जिंदगी में कुछ भी अचीव कर सकता है, कुछ भी मतलब कुछ भी। सो ऑन दैट नोट, DS राठौर साइनिंग ऑफ।